जब पूछा गया हुजूर ये कुर्बानियाँ क्या हैं, फरमाया तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है, और फरमाया कि इनको खुश दिली से अल्लाह की राह में कुर्बान करो, क़यामत के दिन ये अपने बालों के साथ, अपने सींगों के साथ और अपने खुरों के साथ आएंगे। और ये भी इरशाद फरमाया कि कल पुल सरात पर ये सवारियाँ बन के तुम्हें पुल सरात से पार लगाएंगे। और जब कुर्बानी के लिए कोई शख्स जानवर खुश दिली के साथ रज़ाए इलाही के हुसूल के लिए ज़बह करता है तो उस जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से कबल ये अमल कबूल कर लिया जाता है। और ये बात भी जहन में रखिएगा कि अय्याम नहर ये तीन दिन जो खून बहाने के हैं, 10, 11 और 12 तारीख, इन अय्याम में आप जो भी अमल करें, नमाज़ पढ़ें और दीगर साले आमाल करें, बहुत काबिल कबूल हैं और अल्लाह उनको कदर की निगाह से देखता है। लेकिन इन अय्याम में जो सबसे ज़्यादा अल्लाह को महबूब अमल है वो राह खुदा में खून बहाना है, कुर्बानी पेश करना है। तो कुर्बानी का कोई और मुतबादल नहीं हो सकता। कुछ लोग ये फ़लसफ़ा इन दिनों के अंदर बयान करते हैं कि 20-50 हज़ार की कुर्बानी करने की बजाय इतने अगर किसी गरीब को दे दिए जाएं तो उसके 2-3 महीने खैरियत से गुजर जाते हैं और वो घर के अंदर जो है वो ज़रूरत की चीज़ें डाल ले। तो गोश्त तो 2-4 दिन के अंदर खाया पिया जाता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर इतने पैसे किसी गरीब के घर दे दिए जाए तो ये अच्छी बात है। तो इस्लाम कब इस अमल से रोकता है? गरीब की मदद कीजिए, सिर्फ ईद के दिन ही नहीं, मेंढे की जगह ही नहीं, बल्कि इस्लाम तो राह खुदा में जानवर ज़बह करके इसी जज्बे को बेदार करना चाहता है कि तुम्हें गोश्त की ज़रूरत भी नहीं थी फिर भी तुमने ज़बह कर दिया, तो जहाँ ज़रूरत होगी और तुम्हारी हमसायगी में, तुम्हारे अतराफ में जब कोई गरीब होगा तो फिर तुम उसके लिए ज़बह क्यों नहीं करोगे, उसके लिए तुम कुर्बानी क्यों नहीं करोगे, इसार क्यों नहीं करोगे? यहाँ तो फिर भी हम गोश्त खुद खा लेते हैं या गुरबा में बांट देते हैं, लेकिन मना की वादी में जहाँ लाखों कुर्बानियाँ पेश की जाती हैं वहाँ तो जानवर काट के उसको ज़बह करके बस छोड़ दिया, उसके गोश्त से गरज ही नहीं होती। ज़्यादातर हुज्जाज ऐसे होते हैं जिनको ये बता दिया जाता है कि तुम्हारी कुर्बानी कर दी गई है और वो फ़ोन कॉल के इंतज़ार में या हुकूमत वक्त की जानब से दिए गए वक्त के बाद हलक करवा देते हैं, तो उन्होंने ना अपना जानवर देखा होता है ना उसको ज़िबा होते देखते हैं, तो सिर्फ उन्हें टाइम बतला दिया जाता है या उनको कॉल कर दी जाती है तो ये उनके लिए काफ़ी होता है। तो वहाँ तो गोश्त खाना भी मकसूद नहीं, तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए जानवर ज़बह करना। तो जब रज़ाए इलाही के लिए जानवर ज़बह करने का जज्बा पैदा करके तुम्हें राह खुदा में खर्च करने की तरगीब दी जाती है तो फिर तुम पूरा साल खर्च करोगे, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल और कोई मुशक्क़त नहीं होगी। लेकिन अगर तुम जो है वो इस जज्बाए खैर से नूर हासिल नहीं करोगे तो फिर तुम्हें ये दौलत नसीब नहीं होगी। तो सबसे अफजल अमल इन 3 अय्याम के अंदर जो बताया गया वो यही है कि राह खुदा के अंदर खून बहाना है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में जो है वो मेंढे लाए गए जो चितकबरे थे और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथ से उनको ज़बह किया। तो ईद कुर्बान ये ईसार की ईद है, ये कुर्बानी की ईद है और इस्लाम हमें कुर्बानी सिखाता है। इस्लाम लम्हा लम्हा कुर्बानी है, एक एक साथ इस्लाम कुर्बानी का नाम है और हमें दर्स ज़िंदगी यही दिया जाता है कि हम कुर्बानी से अपनी ज़िंदगी को इबारत करें।